तो दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया 40 में हमें मिलने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में डैमियन पीस अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करेंगे। अब डैमियन पीस किस चैंपियन के ऊपर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे और क्या वो चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे ज्यादा चांस तो ये है कि नाइट वन में ही डैमियन पीस अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करेंगे, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स के ऊपर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नाइट वन में रोमन रेंस और रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंग्स और कॉडियोस का मैच हो रहा है। इस मैच को रॉक और रोमन जीतेंगे और उसके बाद रॉक और रोमन सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करके सेथ रॉलिंस को इंजर्ट कर देंगे और इसी बात का फायदा उठाएंगे डैमियन पीस, और डैमियन पीस अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करके न्यू चैंपियन बनेंगे। लेकिन उसके बाद आप ये बोलेंगे कि नाइट टू में तो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर का मैच हो रहा है, तो अगर डैमियन पीस जीत गए तो फिर इस मैच का क्या होगा? ये मैच जरूर होगा, लेकिन ये मैच होगा ट्रिपल थ्रेट मैच, डैमियन पीस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। और दूसरा जो सबसे ज्यादा रूमर्स आ रहे वो इस बात के कि डैमियन पीस शायद नाइट टू में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करे, वो भी रोमन रेंस और कॉडियोस के मैच में। और इस मैच में डैमियन पीस तब अपना बैंक को कैश इन करे जब कॉडियोस रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बन जाए और तब डैमियन पीस कॉडियोस के ऊपर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि डैमियन पीस नाइट वन या नाइट टू कहां अपना मनी इन द बैंक कैश इन करे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रेसलमेनिया 40 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।